जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर सब राजा सूर्य वंशी है और राम के वंश भगवान के। ये हमारे राजा कृष्ण जी का वंश है, यदुवंशी है, यादव है। ये लोग कहाँ से निकले? मथुरा से। पहले राजधानी कृष्ण की राजधानी मथुरा थी, लास्ट जिसमें नवा है उसका नाम है, दोहे में आप सुनिए, मथुरा काशी प्रयाग और गजनी भटनेर दिगम देरावर लुद्रुवा नमो जिसमें, जिसमें नवा राज्य नवी राजधानी 15 किलोमीटर गाँव है लुद्रुवा, हमारा ओल्ड कैपिटल पुराना राजधानी है। मोहम्मद गुरी ऐसा 1153 में उसने वहाँ पे चढ़ेगी, वहाँ थोड़ा नष्ट किया पूरा गाँव को, लुटा लूटा, तो रेजे जैसा जैसे लादा ऐसे भाग के आए सुरंग से और उन्होंने एक किला बनाया। रविवार 12 जुलाई 1156 में इसका काम शुरू किया नींव रखी थी राजा जैसल ने। किले को बनाया था महाराजा जैसल ने, 12 जुलाई 1156 में इसका काम शुरू हुआ था। जैसल ने काम शुरू किया इसलिए नाम पड़ा सिटी का जैसलमेर, जैसलमेर का नाम था और मेरू पहाड़ी का नाम मेरू पर्वत, जैसल प्लस मेरू से नाम बना जैसल बना पड़ा हमारे शहर का। इस किले के दो नाम है, जो किला बना हुआ है तीन कोनी पहाड़ी में बना हुआ है, जिस किले का नाम तो पहले त्रिकूटगढ़, त्रिकूट तीन कोनी वाली पहाड़ी में गढ़ बना, इसलिए त्रिकूटगढ़ था। फिर अपनी बंगाली मूवी सोनार किला 1974 में, 1974 में सत्यजीत रे उन्होंने फिल्म बनाई बंगाली मूवी सोनार किला, उसके बाद इस किले का नाम हुआ आगे सोनार किला गोल्डन फोर्ट। क्यों हम बोलते हैं सोनार किला? इस पत्थर में नीचे कलर गोल्डन येलो कलर पीला सोने जैसा है, जब होता है शुरू होता है सनराइज उस टाइम पूरा पत्थर लगता है गोल्ड जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम है गोल्डन फोर्ट सोनार किला। ये राजस्थान का दूसरा किला है, इसमें जनता रह रही है, किले के अंदर लोग रहते हैं। एक तो चित्तौड़ का किला, दूसरा जिसमें फोर्ट, इस फोर्ट के अंदर आज भी अंदर 500 परिवार रहते हैं, करीबन 4000 की आबादी है। उसमें कौन लोग रहते हैं? तो पहले से राधे के सेवक थे, कामदार, एक जो है ब्राह्मण जो राधा के बच्चों को पढ़ाते थे, टीचर थे, राजा को एडवाइस थे, सलाहकार थे और राजा के राज्य पीछे रात करते थे, पुरोहित को व्यास को सुनने रहते ब्राह्मण 80%। 20% रहते हैं राणा राजपूत, जो से बोलते हजूरी, राजा के सेवक थे, जी हजूर करने वाले, वो लोग इस किले में रहते हैं एक पार्ट में जी। किले की खासियत है, किले की जो दीवार है बाउंड्री वाल, उस वाल में कहीं भी सीमेंट चूना पानी मिट्टी कुछ नहीं लगा हुआ है, ओनली पत्थर रखे हुए फंसा के इंटरलॉक करे खांचे वहाँ से फंसा के रखे हुए, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी थी, बरसात होती नहीं थी, अकाल पड़ा अकाल उस जमाने में। आज 22-10 साल से पहले पानी की कमी थी, घी से महंगा पानी था, मेहमान कोई घर में आते थे पानी नहीं पिलाते थे, दूध पिलो 7 किलो पानी में पाऊंगा, पानी की कमी थी हमारे घी से महंगा। 1980 में इंदिरा गांधी नहर आई, उस नहर का पानी अभी लोग हम पी रहे हैं, अभी पानी का हमारे को आराम मिल गया है, पहले पानी को दिक्कत थी, लोग नहाते थे हफ्ते में एक बार दो बार, उसी पानी की किल्लत थी पहले, अभी समस्या पानी का समाधान हो गया है। अभी जो नए घर बनते हैं उसमें सीमेंट चूना पानी लगाया है, किले की दीवार में कोई सीमेंट मिट्टी चूना पानी नहीं है, ओनली पत्थर रखे हुए हैं। एक पत्थर की दीवार 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर लंबा पत्थर है, एक क्रॉस जो है इंटरलॉकिंग मेल फेमेल करके खर्चे में खंड फंसा के रखे हुए हैं। तीन दीवार है, पहली दीवार किले को सपोर्ट देने नीचे वाली पहाड़ी को सपोर्ट देती है, फिर दूसरी दीवार है जहाँ पर सैन्य लोग खड़े होते थे, तीसरी दीवार है उसमें बड़े भुर्ज 99 क्योंकि तीन कोनी पहाड़ी है, एक कोने में 33 भुर्ज है, दूसरे कोने में 33 और तीसरे में 33 भुर्ज है, तीन कोनी पहाड़ी कुल 99 भुर्ज बनाए, 99 लास्ट और बने हैं। ये सैनिक के घर थे सोल्जर हाउस, वहाँ से ऊपर से देखते थे, बाहर कुछ भी नहीं था, बाहर का सिर पर नया सिर बसा है, जो बाहर कब गए तलहटी में किले के बाहर, राजा खुद बाहर कब गए 1750 में लोग बाहर गए, जब मुगलों का राज शासन खत्म हो गया, अंग्रेज आ गए, तब राजा ने उनसे अंग्रेज से कर ली दोस्ती संधि और राजा खुद बाहर से चिपके हो गए, कि धीरे राजा के दीवान मंत्री बाहर लगे, धीरे धीरे बाहर खेलते गए। पुराना शहर हमारा किला है, आज भी अंदर लोग रहते हैं, पीढ़ी पीढ़ी राजपूत और ब्राह्मण और राजपूत दो जाति रहती है, दो ही सिर्फ। हाँ जी सर, सबसे ऊपर देखिए किले के ऊपर झंडा लगा हुआ है, हाँ वो राजा का झंडा है, राज परिवार का, उसमें झंडे में क्या बना? छतरी, छता, अम्ब्रेला। छतरी क्यों बना गई? क्योंकि राजा हमारे यदुवंशी है, कृष्ण भगवान के वंशी है, यदुवंशी राजा हमारे, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर सब राजा सूर्यवंशी है और राम के वंश भगवान के। ये हमारे राजा कृष्ण जी का वंश है, यदुवंशी है, यादव है। ये लोग कहाँ से निकले? मथुरा से। पहले राजधानी कृष्ण की राजधानी मथुरा थी, लास्ट जिसमें नवा है उसका नाम है, दोहे में आप सुनिए, मथुरा काशी प्रयाग और गजनी भटनेर दिगम देरावर लुद्रुवा नमो जिसमें, जिसमें नवा राज्य नवी राजधानी है, 15 किलोमीटर गाँव है लुद्रुवा, हमारा ओल्ड कैपिटल पुराना राजधानी है। मोहम्मद गुरी ऐसा 1153 में उसने वहाँ पे चढ़ेगी, वहाँ थोड़ा नष्ट किया पूरा गाँव को, लुद्रुवा लूटा, तो रेजे जैसा जैसे लादा ऐसे भाग के आए सुरंग से और उन्होंने एक किला बनाया। रविवार 12 जुलाई 1156 में इसका काम शुरू किया नींव रखी थी राजा जैसल ने। यह राजा को बोलते हैं, और कितने सालों में निर्माण हो गया था ये किला? एक राजा जैसल ने पूरा नहीं किया, उन्होंने काम स्टार्ट किया था, पहली पोल बनाई गणेश पोल, दरवाजा बनाया पहला, और किले के नीचे की दीवार बनी थी,
फिर वो 15 साल बाद डेथ हो गई, फिर उनके राजा है दूसरे सलीमान सिंह, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता, उन्होंने दूसरी दीवार बनाई, पीढ़ी दर चार पीढ़ी काम चलता रहा, करीबन 150 साल काम चला किले में, तब जाके पूरा हुआ, अलग चार राजाओं ने बनाए। तो यहाँ के राजा है उनको बोलते हैं महारावल, रावल बोलते रावल, वहाँ मुझे मेवाड़ में महाराणा उदयपुर चित्तौड़ में, और जोधपुर बीकानेर बोलते राव, और जयपुर बोलते सवाई, जिसने उपाधि पदवी है। जैसलमेर वाले राजाओं को रावल की उपाधि थी। हाँ, यह महारावल, महारावल जो है राजा यदुवंशी है, जोधपुर जयपुर सूर्यवंशी है, और माउंटेन सूर्य का राजा अग्निवंश का है। अग्निवंश राजस्थान में 3 वंश के राजा हुए, सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश। तो यहाँ का राजा चंद्रवंशी, कृष्ण कुमार चंद्रवंशी कहलाते हैं। अपन आगे बढ़ेंगे, आप किले की दीवार देखिए, तो दीवारों पे पत्थर रखे बड़े बड़े गोल बेलना आकार के पत्थर रखे, ऊपर देखो दीवारों पे पर, हाँ रखे है ना, वो पुराने हथियार थे। 800 साल पहले अपने भारत में बंदूकें तो नहीं थी, उस जमाने में ये लोग पत्थर का उपयोग करते थे मारने के लिए, शत्रु को मारने के लिए। आज अपने पास तोहफे बंदूक आ गए हैं, ये ब्रिटिश अंग्रेज लोग लाए थे, पहले तोहफे बंदूक नहीं थी, तो लोग किससे लड़ते थे, दीवार के ऊपर बीच में जो गैप है पहले तीर और भाले मारते, तीसरे का निशाना बच गया, भला मारे भाले से बच गया, लास्ट में जो पास आएगा दीवार के पास ऊपर चढ़ने का कोशिश करेगा तो ऊपर पत्थर उड़काते थे, जो आपको वो देख रहे हो, गोल वाला पत्थर 50 किलो का है, लंबा वाला 100 किलो का सिलेंडर जो पड़ा रहा, ये पड़ा जहाँ थे दुश्मन को मारने के लिए। आज 100 पीस पड़े के लिए दीवार पूरी भरी पड़ी है, आप देख सकते हो पूरी दीवार भरी पड़ी है पत्थरों से, ये 100 पीस आज ऊपर दीवार पूरी भरी पत्थर रखे लेकिन दीवार पे हथियार से पहले के। फिर उस पुल को बनाया था महारावल भीम ने 1400 में 1459 में, तो ये इसका नाम है सूरज पुल क्यों दिया है, जो होता है सूर्य उदय सनराइज, पहला कहना यहाँ पड़ता है सूर्य के सामने, तो उसका नाम है सूरज पुल सन गेट। दूसरा इसका नाम है तोरण द्वार, जब भी राजा महाराज शादी करके आते थे तो उसके ऊपर जो बनाते तोरण बांधते, अपने देखो ऊपर बड़ा तोरण बांधा हुआ है लकड़ी का, उस तोरण के ऊपर क्या बना है चिड़िया, और बने स्वास्तिक, स्वास्थ्य गणेश जी का प्रतीक शुभ रहता है, शादी में अपन मनवाते हैं, ऊपर चिड़िया इसलिए बनाते हैं, लड़की है वो पराया धन है, एक पेड़ से उड़ के दूसरे पेड़ में जा के बैठती है, एक गांव से दूसरे गांव में जाती है, इसका प्रतीक है, अपने हर घर में शादी में हिंदू में तोरण मानते हैं अपन, वो तोरण बांधा हुआ है, राजा शादी करके आते थे यहाँ तोरण मानते थे घर के बाहर, इसे वो तोरण द्वार बोलते हैं, तोरण द्वार वेलकम गेट स्वागत द्वार। सूरज पोल के अंदर सूर्य देव का स्थापना किया गया है, जो महारावल भीम ने किया था, सूर्य मंदिर बनाया था, सूर्य पोल जब पहला सूर्य का किरण होता है इसके ऊपर पड़ता है सूर्य के सामने, उसका नाम है सूर्य भगवान का मंदिर, सूरज पोल दिया है। सबसे पहला पोल बना था, सबसे ओल्ड गेट है, इस गेट को बनाया था महारावल जैसल ने, उन्होंने इसका नींव रखा था, पहला कोई हिंदू राजा काम हुआ था, पहला गणेश पूजा होता है ऊपर गणेश जी की मूर्ति बनाया गया है, इस गेट का नाम है गणेश पोल गणेश गेट, और गेट को देखो फिर से बहुत रास्ता बनाया गया है, वो भी पहले दुश्मन हमला बोलता था किले के ऊपर में हाथी से गेट को तोड़ते थे, लेकिन हाथी का जो स्पीड हो जाता है बोर्ड में धीमा, उसकी पूरी ताकत टूट जाती है, पहले जो है लोग हाथी की सूंड में लकड़ी बड़ी डाल के उससे हाथी दौड़ता आता गेट तोड़ देता किले का, लेकिन टन कहते मोड़ के अंदर हाथी की पूरी ताकत टूट जाती है, वो उसको तोड़ नहीं पाएगा, सुरक्षा के लिए इसके रास्ते बनाए चेहरे पर घुमाता बेल आकार का रास्ता ही हमारा, सुरक्षा के लिए टन के अंदर बनाए मोड़ के अंदर गणेश को। ड्रम बजे नगाड़ा बजेगा, सबको मैसेज मिलेगा संदेश के कोई दुश्मन आ रहा है, तो उसका नाम है रणभेरी जरुखा, रण में सवार युद्ध के लिए यहाँ से मैसेज मिलता था अपने संदेश, इसका नाम रणभेरी जरुखा है, और इसमें कोई बैठा भी रहता था पहले ना, वहाँ से बैठ के देखता था आदमी सिपाही चौकीदार, दूसरे को दुश्मन आए तो यह बजेगा ड्रम। किले का लास्ट गेट है अंतिम, इस गेट का नाम है हवा पोल हवा गेट, हमेशा यहाँ पे जो इतना ठंडी आती है इसी की तरह, इसका नाम दिया हवा पोल क्यों दिया गया, क्योंकि तो इसका डायरेक्शन है उत्तर दक्षिण, हमारी जो हमेशा हवा चलती है उत्तर दक्षिण चलती है हवाएं, आगे खुला बड़ा चौक है दशहरा चौक है, ये यहाँ भी चौक है, बीच में छोटा बनाया गया सेंकड़ा,
ये इसकी टेक्निक ड्रोन इंजीनियर के दिमाग से बने कि यहाँ पे 12 मास ठंडी हवा आती है, जब मई जून में बाहर गर्मी होती है, पता चूँकि टेम्परेचर होता है 40 डिग्री के अंदर लू आती गर्म हवाएं, लेकिन यहाँ पे हमेशा ठंडी हवा आती है इसी की तरह, इसलिए इसका नाम है हवा पोल विंड गेट। इसी तरह आपको महसूस हो रहा होगा ठंडी हवा यहाँ पे इसी की तरह हवा पोल बोलते हैं विंड गेट। पत्थर है उसे बोलते हैं येलो सैंडस्टोन, ये पत्थर बहुत गर्म होता है, इस पत्थर की शेप में लोग बैठते बैठते हजार आदमी उठ के बैठते हैं, ये घिस गया है देखो आप, पत्थर का शाइनिंग गोल्ड सोने जैसा हो गया, ऐसा था पहले हरा खुदरा पत्थर खुदरा ऐसा था और ऐसा हो गया आज बैठने से ऐसा हुआ है, ये पत्थर वो नरम दीवान से बैठ के मंडिंग करते थे, वो था दीवान खास। इससे आगे आप देखेंगे मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर है, उस मंदिर के बाहर में होती थी पहले बलि, भैंसे की बलि, फाड़ा बलि, बुकलो सिक्रीफाइस, लास्ट बलि 1974 में हुई, 1974 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री आई, उन्होंने देखा और उन्होंने बलि पे रोक लगा दी। अभी मेला होता है, बलि प्रथा बंद हो गई है 24 के बाद, 24 में लास्ट बलि हुई थी। उठामना मंदिर है, ये किले का मेन सेंटर चौक है, इस चौक का नाम है दशहरा चौक, दशहरा चौक खड़े हैं अभी, दशहरा चौक के किलो किलो तीन गली है, उसमें अलग जाति के लोग रहते हैं, एक शहर में रहते हैं ब्राह्मण रहते हैं व्यास, एक शहर में रहते हैं पुरोहित, एक शहर में रहते हैं फोल्डिंग। ये जो देख रहे हैं आप मंदिर है, ये चामुंडा माता का मंदिर है, यहाँ पे पहले होती थी बलि दशहरे के दिन में, महाराज लोग देते थे पांडे की बलि, भैंसा बलि, इंदिरा गांधी ने बलि बंद करवाई 1974 में, अभी यहाँ पे राजा का परिवार आता है, यहाँ पे तलवार की पूजा सरस्वती पूजा होती है, बलि बंद हो गई, बहुत सुंदर भाई म्यूजिशियन है, संगीतकार भजन अलग वाद्य यंत्र भाई, हर समय का दिन अलग है, हर दिनों का दिन अलग है, इसमें कोई सीमेंट चूना पानी नहीं लगा हुआ। ये देख रहे हैं ये हमारे राजा का राजमहल का प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट, इस गेट के दोनों सिरे आप देखेंगे हाथ के निशान है, उन पर खुदाई किया हुआ है और सिंदूर का पूजा हुआ है, ये सती माता हाथ निशान सदियों के, जब भी राजा महाराजा लड़े में वीर गति को होते थे तो उनकी रानी उनके साथ में जिंदा जलती थी, मुझे बोलते सती होना, तो यहाँ पर सती हुई थी, सती माता को हाथ के निशान आप देख रहे हैं, दो दीवार के दोनों सिरे में गेट से लगे हुए हैं, उनके ऊपर पूजा सिंदूर की हर साल दर्शन के घर है, इसके अंदर आप देखोगे उसकी सुंदर नकाशी की हुई है, इसके अंदर बड़े ऊपर शुद्ध सिंह चक्र और नीचे डिजाइन दी, उसमें छोटे छोटे मोर की डिजाइन है। पहले ज़माने के लोग ऐसा सब काम हर घर में बालकनी बनाते थे, इसलिए गोखड़ा जरोखा देखने के लिए लेडीज ऊपर से चीज़ें आने वाले जाने वालों को पर्दा था, इसे बोलते गोखड़ा जरोखा है, बहुत ही सुंदर कार्विंग है, लकड़ी का लग रहा है, पत्थर का काम है ये, तबारी काम ये हाथ का काम है, अभी होता है मशीन का काम आप देख रहे हैं सामने, अच्छा बन रहा है घर, ये अभी नया काम है मशीन से, किले के अंदर भी बनाया गया, पुराना घर टूट गया तो नया बना रहे हैं ये मशीन में, और इसमें पर्सनल आदमी रहते हैं अपना 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 प्राइवेट घर, निजी राजाओं ने जो दिए थे उनको गिफ्ट में, उनकी फैमिली रहती है, पीढ़ी पीढ़ी रहती है अभी, जहाँ पे अभी अपन खड़े हैं इस जगह का नाम है सिटी व्यू पॉइंट, सिटी का व्यू है, सिटी का दृश्य दिखता पूरा शहर हमारा दिखता है आपको, पीले पत्थर से बना हुआ है, इसे बोलते हैं गोल्डन सिटी सोना नगरी, जैसे अपने राजस्थान में हर सिटी का नाम है, जयपुर को बोलते हैं गुलाबी नगरी पिंक सिटी, उदयपुर लेफ्ट सिटी जिलोबी नगरी, जोधपुर ब्लू सिटी है, ये हमारा गोल्डन सिटी है, उसे मकान पीले पत्थर से बना है, गोल्डन सिटी बोलते हैं, इस सिटी का नजारा है, आप उधर देखें टावर की देखिए, उधर देखें छतरी बने हुए, वो सब समाधि है ब्राह्मणों की, राजगुरु के व्यास लोग उनकी है, व्यास छतरी है, इसी रोड पे आगे पंखे विंड में लगे, उसके पास में बड़ा बाग है, वहाँ राजा को शमशान वहाँ है, रॉयल फैमिली छतरी बड़ा बाग में है, बड़ा बाग हाँ जी वहाँ है। ये सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ पे वाइट दीवार के बुरुज के ऊपर झंडे लगे लाल, वो बुरुज के ऊपर होती पहले फांसी सजा, रेलवे जिसमें स्टेशन आगे लेने जाती है वापस जाती जोधपुर रेलवे स्टेशन है। मंदिर पैलेस और दूसरा नाम इसका है बादल विलास, इस जगह के अंदर हाफ आधे में रॉयल फैमिली रहती है और आधे में उनका जो है अंकल जी का होटल है, हुकुम सिंह जी का होटल मंदिर पैलेस, में 50 किलो 2 किलो के बाद बोले।